सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी की वॉर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर रूस और यूक्रेन की सारी जानकारी मैं आपको देता हूं। इस रिपोर्ट की पहली और सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस ने अपने सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम S-500 को, बल्कि S-400 को नहीं बोल रहा हूं, F-500 को तैनात कर दिया है। और ये बात खुद व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को बताया है। दुनिया को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने साफ साफ कह दिया है, हमने अपने डिफेंस में अपना सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, हमने अपने सैनिकों को S-500 दे दिया है। और तो और इस बयान के कुछ घंटे के बाद बड़ा बयान फिर से व्लादिमीर पुतिन ने दिया। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सन 2022 के आखिर तक ही, यानी कुछ महीने बाद, हम अपनी सारी ताकत बॉर्डर पर तैनात कर देंगे, सबसे खतरनाक ताकतें समेट कर, आधुनिक हथियारों समेत हम अपनी ताकत को बॉर्डर पर तैनात कर देंगे। इस बयान में उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी नाम लिया है, जिसको अभी कुछ वक्त पहले सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और टेस्ट वो पास हुआ। वो मिसाइल भी बॉर्डर पर तैनात कर दी जाएगी, जो परमाणु मिसाइल होगी। दूसरी तरफ अगर बात करें सपोर्ट की, तो इटली ने सपोर्ट करने को कहा है यूक्रेन को, और कहा है कि हम आखिर तक यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे। अब रूस की बड़ी कामयाबी, भाई साहब एक और आपको बता दूं, रूस ने यूक्रेन के जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया है, उन इलाकों के अंदर ब्रॉडकास्ट पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। उन इलाकों में यूक्रेन के सारे चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है, और वहां पर अब यूक्रेन के हर घर के अंदर ब्रॉडकास्ट अपने रूस के मीडिया को कर रहा है। अब आपको बताऊं, नेटो के चीफ से इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि मैं तुर्की से, यानी रजब तैयब अर्दोगान से, भाई साफ साफ पूछूंगा कि आप ये बता दो कि आप रूस और यूक्रेन की जंग में किस तरफ खड़े हैं। यही जिद और यही प्रेशर भारत पर भी है, अमेरिका और वेस्ट की कंट्रीज के द्वारा, यूरोप की कंट्री के द्वारा, कि भाई साहब आप बताओ आप किस तरफ खड़े हो। भारत ने यूक्रेन के ऊपर हुए हमलों का विरोध किया, और दिमाग चलाते हुए पीछे से हाथ जो है रूस का भी थाम के रखा। अब यही चीज़ तुर्की ना करे, इसलिए फ्रांस ने कहा है कि हम खुद इस बात को रजब तैयब अर्दोगान से क्लियर करेंगे। वहीं पर भारत की कंपनी ने ऐलान किया था कि, टाटा स्टील ने ऐलान किया था कि हम रूस के साथ बिजनेस को बंद कर रहे हैं। अब बड़ी खबर भाई साहब ये आ गई है कि वही टाटा स्टील 75,000 टन कोयला रूस से इंपोर्ट कर रहा है। कमाल है दोस्तों, क्रीमिया के इलाके में तेल के उत्पादक वाले फैक्ट्री पर जोरदार हमला किया है, क्रीमिया के इलाके पर। जी हाँ, इस इलाके में फैक्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा है और रूस के लिए झटका है। वहीं पर आपको बताऊं, ये रूस के जर्नलिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था, इन्होंने नोबेल प्राइज बेच दिया है $103 मिलियन में लगभग। अब वो जो पैसे मिले हैं उससे यूक्रेन के बच्चों की मदद ये करेंगे, बेहद बेहतरीन फैसला है दोस्तों। एक कंट्री है लिथुआनिया, उसने रूस के हाथ पांव काट दिए हैं। बहुत बड़ी खबर है, लेकिन इसको मैं आपको आसान करके समझाऊंगा, और आज ये समझ लीजिए ताकि आगे आने वाली खबरें आपको क्लियर हो जाए। मैप लगाओ भाई, ये देखिए लिथुआनिया ये है, ये अलग कंट्री है। अब रूस ये पूरा है। अब इस तरफ आपको ये जो रेड कलर का दूसरा छोटा सा हिस्सा देख रहा है, ये पूरा रूस है। और इतना बड़ा रूस होने के बाद भी इतनी सी जगह जो आपको रेड कलर की दिख रही है, वो भी रूस का ही हिस्सा है। जहाँ एक जो बूंद है वो रूस है, और रूस का वो हिस्सा है, और उसके ऊपर की तरफ देखेंगे समुद्र है, और उसके ऊपर की तरफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, उधर से रूस पर हमले का खतरा रहता है। इस वजह से रूस ने अपने इस जगह पर कैलिनिनग्राद नाम की ये जगह है, जो काफ़ी छोटी है, वो रूस से बिल्कुल कटी हुई अलग जगह है, लेकिन है रूस का हिस्सा। उस जगह पर अपनी सारी बड़ी बड़ी ताकत रूस ने तैनात कर रखी है, क्योंकि उधर से हमले का खतरा रहता है।
तो यहां पर अपने डिफेंस, अपनी फोर्सेस, परमाणु बम, पनडुब्बियां सब यहां पर तैनात है। अब नीचे की तरफ वहां जाने के लिए पोलैंड का रास्ता था। पोलैंड ने पहले से ही रूस का इधर आना पूरा बंद कर रखा था रास्ता। और अब रूस जो है लिथुआनिया की तरफ से रेल के रास्ते से उस जगह पर अपने आप पहुंचता था या फिर हवाई जहाज के जरिए वहां पहुंचता था। लेकिन लिथुआनिया ने क्या किया है, रूस के उस रास्ते को काट दिया है, बंद कर दिया है, एयर स्पेस भी रूस के लिए बंद कर दिया है। तो अब हो यह गया है पूरा रूस अपने इस छोटे से पार्ट से अलग हो गया है पूरी तरह से। अब आप समझिए कितना बड़ा झटका है रूस के लिए। इसीलिए अब रूस लिथुआनिया को बार बार धमकी दे रहा है कि रास्तों को खोल दो वरना हम जब कार्यवाही करेंगे तो तुम्हारे लोगों को दर्द बहुत होगा। बड़ी बड़ी धमकी रूस दे रहा है लेकिन लिथुआनिया ने पूरी तरह से रास्ता अभी तक बंद किया हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका की पार्लियामेंट से वीडियो कॉल के जरिए जुड़े थे ज़ेलेंस्की और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। अफ्रीका की कई सारी कंट्रीज हैं, उनकी पार्लियामेंट से जुड़ने के बाद उन्होंने अपना दर्द बयान किया और कहा कि पूरा अफ्रीका भुखमरी की तरफ आगे बढ़ेगा और उसको हम अनाज नहीं दे सकते क्योंकि रूस हम पर भारी पड़ रहा है और रूस ने हमारे अनाजों को लूट लिया है। सारी बातें उन्होंने अपनी रखी जिसके बाद उनकी बातें सारी कामयाब हो गई। वो अपने मकसद में ज़ेलेंस्की कामयाब हो गए क्योंकि अफ्रीका के यूनियन मिनिस्टर ने ज़ेलेंस्की का सपोर्ट कर दिया, यूक्रेन का सपोर्ट कर दिया और कह दिया कि वहाँ यूक्रेन का जो अनाज है वो अफ्रीका के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, दुनिया को यूक्रेन का साथ देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बाइडेन को आड़े हाथ ले लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं और मेरी सरकार होती तो यूक्रेन की जंग हम होने नहीं देते। इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बुरा हाल अमेरिका का है और ये सिर्फ बाइडेन की सरकार की वजह से है। वहीं पर जर्मनी ने खुले आम साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि जब तक यूक्रेन को हथियारों की जरूरत है हम उसको हथियार देते रहेंगे। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अमरीकी फौजी भी मौजूद हैं रूस के खिलाफ यूक्रेन में लड़ने के लिए। अब ये पहला अमरीकी है जो मारा गया है, 52 साल का स्टीफन नाम का अमरीकी फौजी यूक्रेन की तरफ से रूस से लड़ने में मारा गया है। वहीं पर रूस के क्रिमिनल ने बड़ी बात कही है, दो अमरीकी जो फौजियों को गिरफ्तार किया गया है उनके लिए कहा यह है कि उनके साथ क्या होगा, क्या करना है ये हम तय नहीं करेंगे, रूस की वो कोर्ट तय करेगी। अगर कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी तो उनको भुगतना पड़ेगा। एक तरह से ये धमकी अमेरिका को है। क्रिमिनल ने आगे ये भी कहा कि अब रशिया कभी भी वेस्ट कंट्रीज पर भरोसा नहीं कर सकता और ये जो जंग है ये काफी लंबी चलने वाली है। बेल्जियम की राजधानी के अंदर नेटो का हेडक्वार्टर है। बेल्जियम के लोग सड़कों पर उतर गए और रूस के सपोर्ट में नेटो के खिलाफ नारेबाजी करने लगे बेल्जियम के लोग और ये डिमांड करी नेटो किसी भी तरह से इस जंग को सपोर्ट ना करे, किसी भी तरह से हथियार यूक्रेन को ना दे, ये इनकी डिमांड है। सुनिए कई सारी फुटेज मैं आपके सामने रख रहा हूं। दोस्तों वहीं पर यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करी है जिसमें रूस के SU-25 फाइटर जेट के पायलट को पकड़ा है और उससे बुलवाया गया है या उसने खुद बोला है, आप समझदार हैं, जहां पर उसने पायलट ने इस जंग को गलत करार दिया है। सुनिए видел разрушенные города сверху, при выполнении полета попал в плен. Со мной здесь относились, ко мне здесь относились хорошо, оказали медицинскую помощь, там, еда, в общем, проявили себя достойно ВСУ. Но хочу сказать, что это действительно неправильная война. दोस्तों वहीं पर वेस्ट अफ्रीका की एक
कंट्री है बुर्किना फैसो। जी हाँ, ये उसका झंडा है और ये उसका मैप है। जी हाँ, अब आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों ने स्क्रीन पर ये देखिए, यहाँ के लोगों ने रूस का झंडा लेके प्रदर्शन किया है। और आपको जानकारी दे दूं, जनरल नॉलेज काफ़ी बड़ी है, इस जगह पर बुर्किना फैसो में फ्रांस की आर्मी है, फ्रांस। तो वहाँ के लोगों ने रूस का समर्थन करते हुए कहा है कि फ्रांस की आर्मी को यहाँ से निकाला जाए और रूस की आर्मी को यहाँ आने दिया जाए। यूक्रेन में अवदीवका के इलाके में एक यूक्रेन का बहुत बड़ा स्कूल था जिसको रूस ने बर्बाद कर दिया हमला करके। अब रूस ने यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया है और वहां पर अपनी मिलिट्री को तैनात कर दिया है और वहां पर छुप गया है और छुप कर हमले कर रहा है। ऐसी जगहों को ढूंढ ढूंढ कर यूक्रेन तबाह करने में लग गया है और रूस की आर्मी को कामयाबी से निशाना बना रहा है। वहीं पर रूस लगातार अपनी इस्केंडर मिसाइल, काफी खतरनाक मिसाइल है, इसको लगातार यूक्रेन पर दाग रहा है। तो दोस्तों, ये थी रूस और यूक्रेन की जंग की सारी ताज़ा जानकारियाँ। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं मुझे याद रखिए। मैं हूँ रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक चैनल। तेरा बाप आया।